वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहां से विजयी बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की दृष्टि से, गरीबों के हित की दृष्टि से, किसानों के हित की दृष्टि से, मजदूरों के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है। इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि कमल खिलाएं, और मैं अपील भी करता हूं आप सबके माध्यम से लोगों से घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरी सीट में मैं तो सीधे अपने लिए सबका आशीर्वाद कमल के फूल पर मांगता ही हूं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की जो 60 और सीटें हैं उसमें भी लोग घरों से निकलें और भारी मतदान करें। और यह लोकतंत्र का एक जो महापर्व है या विधानसभा 2022 के चुनाव का पांचवा चरण है, अब केवल दो चरण बाकी हैं। 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होगा और 10 तारीख को मतगणना होगी, और 10 तारीख को जनता के आशीर्वाद से जो अहंकार के आकाश में श्री अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी साइकिल पहले पश्चिम से उड़ती हुई सैफई गई थी, और सैफई और जगह जगह से उड़ती हुई बंगाल की खाड़ी चली जाएगी। मैंने अभी प्रयागराज में और हर्ष वाजपेयी छोटा भाई है उसके लिए मतदान दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक प्रत्याशी हूं, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैं इतना ही आज सभी से अनुरोध करूंगा, प्रयागराज के सभी वासियों से, कि आप जल्द से जल्द निकलें और वोट डालें और लोकतंत्र को और मजबूत करें, यही हम सबका कर्तव्य है। कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी पूरे प्रदेश में? क्या कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और अपने गठबंधन के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की। आपने कई बार कहा था कि इस सीट पर जो है लड़ाई किससे है आपकी, क्या कहा था? मैंने तो हमेशा कहा था कि जो अपनी सीट है वो मैं बाहुबली से लड़ रहा हूँ, नहीं किसी पार्टी से। जो भी सामने होगा वो मुखौटा है। क्या मुद्दे हैं आपके 5 साल में, किस तरह से विकास किया, क्या उम्मीद है कि जनता देखिए भेजेगी फिर से? ये तो जनता को आज निर्णय करना है। मुझे उम्मीद है कि जनता जो विकास के कार्य किए हैं, अन्य किए हैं, उस पर वोट देगी। और साथ ही साथ जनता जो है, जो भयमुक्त समाज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और शहर पश्चिमी का है, कि जो बहुबलियों का वर्चस्व खत्म किया है उस पर वोट जरूर डालेगी।